सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ वन शॉट। गाइस आप देख रहे हो वन शॉट गेमिंग। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि आज की जो मैं वीडियो लाया हूँ ना गाइस, आज की जो ट्रिक है ना, इतनी ज़बरदस्त ट्रिक है, क्या ही बताऊँ गाइस। इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्या जंप मार रहा हूँ, क्या मज़ा आ रहा है गाइस। आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा भयंकर होने वाली है। आज की जो ट्रिक जो मैं लेके आया हूँ वो है सुपर जंप हेडशॉट की ट्रिक। तो गाइस बिना किसी देरी के यार जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाले हैं गाइस। वीडियो को पूरा देखना एकदम एंड तक। चलिए इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यार सबसे पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि ये सुपर जंप हेडशॉट है क्या और दिखने में कैसा लगता है। तो गाइज सबसे पहले जो आप गेम प्ले देख रहे हो ना, ये हमारे ताहिर फ्यूगो का, जो कि मैं मानता हूँ इंडिया में सबसे बेस्ट प्लेयर है। तो गाइज इनका भी चैनल चेकआउट कर सकते हो, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइज यार जो इनका जो ये ट्रिक है ना, अब आप देखिए सिर्फ लिटरली 3 सेकंड का है, ये सिर्फ 3 सेकंड का ट्रिक में आपको मैं पूरी वीडियो में समझाने वाला हूँ, पूरा 3 सेकंड का, ठीक है, सिर्फ 3 सेकंड का गेम प्ले। तो गाइज अब देखना ये 3 सेकंड कैसे हैं। गाइस हो गया बस ये 3 सेकंड, अब मैं इसको समझाने में पूरा वीडियो खर्च करने वाला हूँ कि क्या करना है कैसे करना है। तो गाइस सबसे पहले इन्होंने किया क्या वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये एनिमी को देख ही नहीं रहे, सिर्फ सीधा चल रहा है, इनको पता है कि एनिमी पीछे है, ठीक है। तो जैसे ही जंप करते हैं ना, उस वक्त ये कैमरा एंगल को रोटेट करते हैं और उनका जो एम है ना एग्जैक्टली बंदे के आसपास रखते हैं, और इतना अच्छा एम है ना इनका कि जैसे ही एनिमी के आसपास रखते हैं तभी की तभी, जैसे ही अपना जो करेक्टर है वो एकदम जमीन को टच होता है तभी की तभी ड्रैग हेडशॉट मार देते हैं, बहुत ही ओपी वाला, ठीक है। तो गाइस जो ये एम है ना, सारा खेल ये एम का है, एम को कैसे बढ़ाना है, कैसे सेट करना है, उसी का मैं पूरा वीडियो आपको समझाने वाला हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर। तो गाइस अब देखिए जो ये जहाँ मैं डंडा काट रहा हूँ ना, मतलब झंडा काट रहा हूँ, जो ये वुडन वाला एरिया है, इस साइड में सिर्फ आपको शूट करना है, ठीक है, सिर्फ शूट करना है, ना ही एम करना है ना ही जंप करना है। तो मैं सबसे पहले इस जो एम है ना इसको ट्राई करूँगा। तो सबसे पहले आपको सेटिंग भी दिखा देता हूँ, ये मेरी सेंसिटिविटी और ये मेरे HUD कंट्रोल्स। तो गाइस 3 फिंगर में मैं खेल रहा हूँ, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से मैं गन स्विच करूँगा और लेफ्ट थंब से मैं जंप करूँगा। तो गाइस आपको क्या करना है कि जो एम है ना इसके पास भागना है, फिर पीछे घूम जाना है और मतलब जंप करना है, ठीक है। जंप करके अपना जो एम है वो एकदम एग्जैक्टली जो टारगेट है उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है। तो ये जैसे ही आप मास्टर कर लोगे ना, अब कंसंट्रेट कब करना है, मतलब जंप कब मारना है, जंप सीमेंटेड एरिया में मारना है, और मतलब जब आप लैंड हो रहे हो ना, आप जो वुडन एरिया पे लैंड हो रहे हो, उस वक्त आपका जो एम है वो एकदम टारगेट पे होना चाहिए, जैसा कि मेरा लगभग टारगेट पे है, ठीक है। तो ऐसा अगर एम आपका हो जाएगा ना, उसके बाद आपको शूटिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो आप पहले जाइए खाली हाथ, ठीक है, खाली हाथ जाइए सीधा, और जैसे आप पीछे घूमेंगे तभी के तभी आपको पहले गन स्विच करना है, उसके बाद आपको जंप करना है। तो ये चीज़ अगर आप सीख गए ना, उसके बाद आप देखना कि आप फायर कैसे करते हो, ठीक है। जिस वक्त आप फायर कर रहे हो उस वक्त आपका एम एकदम एग्जैक्टली वहीं पे होगा, अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस की हो तो। गाइस एकदम अगर प्रैक्टिस की है तो आपका जो मूवमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, गजब की ट्रिक है जो ये, वो भी आपकी वर्क करने लग जाएगी। तो गाइस जितना ज़्यादा एम आपका प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप रैंक्ड गेम्स में, और जो मतलब ट्रेनिंग ग्राउंड्स में आप पहले प्रैक्टिस करना, उसके बाद आप रैंक्ड गेम्स में भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके बहुत ज़्यादा वन टैप और मतलब जितने भी ड्रैग हेडशॉट है बहुत ज़्यादा लगने लग जाएंगे। जितने भी लीजेंड देखे ना आपने, विंसेंट जो वगैरह जितने भी हैं, मतलब मोबाइल प्लेयर इमुलेटर प्लेयर जितने भी हैं, सभी इस ट्रिक का यूज़ करते हैं। गाइस बहुत ही ज़्यादा ओपी की ट्रिक है, आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका एम ज़्यादा बढ़िया होगा। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ AK से ट्राई करना, क्योंकि AK में गोलियाँ भी काफ़ी मिल जाती है, और एक वन टैप मारना, ठीक है, वन टैप मारना और ट्राई करना कि जो एम है ना उस पर मतलब डैमेज भी आए। तो जैसे जैसे डैमेज आने लग जाएगा तो आप समझ लेना कि आप ये ट्रिक सीख चुके हो। तो गाइस अब क्या चीज़ नहीं करना वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस अब इस क्लिप को ध्यान से देखना कि जैसे ही मैं पास सामने जाता हूँ एम के, उसके बाद मैं लेफ्ट में घूमता हूँ, पूरा यूटर्न मारता हूँ, उसके बाद मैं जैसे ही जंप करता हूँ ना, उसके बाद एम जो होता है मेरा वो मेरे टारगेट से काफ़ी ज़्यादा दूर होता है, और दूर होने के बाद मैं जब शूट करता हूँ तब उसके पास लाता हूँ शूटिंग बटन से, मतलब एम को मैं शूटिंग बटन से उसके पास ला रहा हूँ। तो गाइस ये जो डिस्टेंस है ना ये काफ़ी ज़्यादा है, इतना डिस्टेंस मत रखना, अगर मान लो इतना ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है ना तो आपको एमिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे जैसे
एम आपका अच्छा होगा, आपका जो ड्रैग हेडशॉट है और जितना भी वन टैप है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला हो जाएगा। और काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि मतलब मेरे वन टैप लगते ही नहीं है, तो गाइस यही कारण है कि आपके जो वन टैप है नहीं लगते, क्योंकि आपका जो एम है वो पहले ही आपका डिस्टर्ब हुआ होता है। एनमी पे जाने से पहले ही आपका एम जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, और जैसे ही आप उसके ऊपर ले आओगे फायर बटन का यूज़ करके, तो आपका ड्रैग हेडशॉट भी नहीं लगेगा और वन टैप भी नहीं लगेगा। तो इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप ओपी लेवल का गेम प्ले खेलने लग जाओगे। तो गाइस अब टाइम हो चुका है कि सीधा बैटल ग्राउंड के अंदर जाने का, जो कि ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर होता है जिसमें बंदे वगैरह आते हैं, एनिमी वगैरह आते हैं। तो गाइस उन पे जाके ट्राई करते हैं कि कितने ज़्यादा हेडशॉट लगने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, तो चलिए यार जाते हैं और मारते हैं हेडशॉट। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं सामने, देखते हैं वन टैप मारा नहीं लगा, इसको वन टैप मारा एम के साथ, क्या गजब लगा। और इसको मैंने वन टैप मारा नहीं लगा और फिर से ट्राई किया, फिर से हेडशॉट लगा और मर गया। तो सामने बंदा है, इसको मारा वन टैप हेडशॉट, शायद उसका नेट चला गया था, और इसको मारा वन टैप। गाइस कितना ज़्यादा एम पे देखा, एम एग्जैक्टली जब मारने से पहले एकदम एकदम एग्जैक्टली फिक्स होगा ना, तो बहुत ही ज़्यादा ओपी वाला हेडशॉट लगने के चांस होते हैं। तो यहाँ से मैं गया सीधा बाहर और एक को मारा वन टैप, नहीं लगा, एम इतना अच्छा नहीं था, और लेकिन इस बार एम अच्छा था तो वन टैप भी लग गया। देखते हैं एके से कैसा लगता है, एके से वन टैप मारा नहीं लगा, फिर से वही ट्रिक लगाया, पीछे गया एम किया, फिर से वही ट्रिक लगाया, एकदम सिर फट गया उसका। तो गाइस अब देखना, अब मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि रैंक्ड गेम्स में कैसा यूज़ होता है ये ट्रिक, उसमें कितना ज़्यादा मजा आएगा यार रैंक्ड गेम्स में जब ऐसा यूज़ करेंगे। तो गाइस अब मैं रैंक्ड गेम्स के भी क्लिप्स दिखा देता हूँ कि ये वन टैप हेडशॉट वगैरह जो ये ट्रिक है यूज़ होती भी है या नहीं। तो गाइस मैं सीधा उतरा शिपयार्ड के अंदर और एक बंदा भी साथ में उतर रहा था मेरे, तो मेरे को मिली सीधी शॉटगन भाई, M14 मिली और मैंने सीधा रश कर दिया। अब गाइस देखते हैं इसको मार पाऊंगा या नहीं। तो भाई लोग सीधा मैंने वन टैप हेडशॉट मारा, क्या ही मारा वो बंदा एक गोली में, और सीधा लाइक भी देके गया था वो बंदा। तो गाइस थोड़ा ही आगे गया था, जैसे ही मैंने देखा कि एक लॉन्च पैड पे बंदा है, तो इसको मारा मैंने इनस्कोप ड्रैग हेडशॉट। तो गाइस जैसे ही मैं इसके पास गया लूट करने के लिए, उसके बाद तो भाई क्या ही मैं इसको चिढ़ा रहा था एकदम इमोट वगैरह दिखा के। तो गाइस जैसे ही मैं इसको लूटने लगा ना, तभी एक बंदा आया पीछे से, भाई छुप के बैठा था, क्या ही बोलूँ मैं, ये देखो कितना हेल्थ डाउन कर दिया। और जैसे मैं छुपा उसके बाद दोबारा ड्रैग हेडशॉट मारा, 5176 का हेड लगा और सीधा बंदा खोपड़ी खुल गया। तो उसको मारने के बाद मैंने उससे स्कार लूट लिया, और स्कार मिलते ही मेरे को एक और बंदा मिल गया यहाँ पे, उसका भी मैंने सिर फाड़ दिया। उसके बाद बीमा शक्ति में भी मेरे को एक बंदा मिला जैसे नीचे जा रहा था, तो इसको भी मार दिया हमने स्कोप इन ड्रैग हेडशॉट। तो गाइस आगे भी एक बंदा था, उसको भी देखना कैसे मारूंगा, क्योंकि तो कार के सामने एक बंदा था और मैंने फिर से वो ट्रिक लगाने का यूज़ किया, तो काफ़ी ज़्यादा हेडशॉट लगे उसके, लेकिन फिर भी उसने ग्लू होल मार दिया और मेरी हेल्थ कम थी तो मैं ऊपर आ गया। तो गाइस फिर से जाऊंगा उसके पास और फिर से उसको मारने की कोशिश करूंगा, देखते हैं हेडशॉट लगता है। तो गाइस हील वगैरह करके मैं फिर से वो ट्रिक का यूज़ करने आ गया, और फिर से मेरे को 135 का हेडशॉट लगा, लेकिन हेडशॉट वाला किल नहीं आया। तो गाइस यार बस यही था यार आज का वीडियो। तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन होती है ना उसको ऑल पे जरूर से सेट कर लेना। तो गाइस ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। तो गाइस मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार बाय बाय, टेक केयर।